रास्ते में अभी हम लाचेन जा रहे हैं, सोडो फॉल स्टार्ट हो गया भाई। बहुत क्लासी वेदर हो रखा है। सेम वर्ड फर्स्ट टाइम है ना। क्या हो गया, ये वायर क्या पकड़ रहा है? तो थैंक यू। क्या करना है? ऑर्डर करो। क्या करना है? उधर मिलेगा आपका गाड़ी तो बिल्कुल। तो आदमी के यहाँ ऑफिस में आके मैगी खा रहा है, चाय पी रहा है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ठंड लग रही है, ठंडी आ गई, हड्डी कब कब आ जाएगी। सीरियसली आप बहुत ज़्यादा ठंड है और भाई हड्डी कब कब आ रही है, कब कब आ रही है भाई। हाथ लाल सुन हो गए हमारे, सुन लाचेन की जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हमें लाचेन में हमारा लंच होने वाला है। वो लंच करने के बाद अभी हमने ना यहाँ पे मैगी भी खाई है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ की मैगी ना वहाँ की मैगी से ना फार बेटर है। जो हमारी होटल में मैगी थी ना, उस मैगी से तो भाई फार बेटर मैगी बनाई है भाई आर्मी के लोगों ने। सीरियसली मज़ा आ गया, इन लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, सो बेसिकली कुछ लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई है तो हमारी गाड़ियाँ शिफ्ट हो रहे हैं। एंड गाइस सबसे अच्छी चीज़ होता है, यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे फुहारें आ रही हैं स्नोफॉल की। स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके भी, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो भी गाड़ी ख़राब हो गई है तो वो भी हमारी गाड़ी में बैठ रहे हैं कुछ लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। एंड यहाँ के लोगों से मिले ना काफ़ी अच्छा है यार, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं एंड मज़ा आ गया। अभी निकलते खाने के लिए, हमारा लाचेन में ब्रेकफास्ट डिनर लंच होने वाला है। ब्रेकफास्ट क्या कह रहा हूँ, स्नोफॉल हो रहा है इधर रास्ते में। अभी हम लाचेन जा रहे हैं एंड ये हमारी जो वैली थी ना उससे हम रिटर्न हो रहे हैं एंड स्नोफॉल स्टार्ट हो गया भाई। बहुत क्लासी वेदर हो रखा है, सीरियसली मज़ा आ गया। गौरव पे वेट नहीं किया जा रहा था, इसको वेट नहीं हो रहा था एंड इवन तो मेरे को भी नहीं हो रहा, मतलब इसका ही वेट हो रहा था मेरा। गाइस लुक एट दिस, सीरियसली मतलब आप रियल में आके से कैप्चर करोगे ना, ना आई डोंट थिंक कि मैं जो कैप्चर कर रहा हूँ ना आपको अच्छा भी लग रहा होगा, बट रियल में जब आप आओगे ना आपको ना सीरियसली बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही क्वाइट वेदर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे साथ दो भैया भी हैं। सेम वर्ड है ना, कूल यार, सो एक्सपीरियंस है ना। मेरा भी अब भाई बहुत सारे मजे ले लिए हम अंदर जा रहे हैं। सारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? चेक सी ना आपने निकल जाएगा सब क्या? आपको अच्छा लगा था ना? मजा आ गया सीरियसली यार, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये लाइफ का। मेरे को कभी नहीं दिखा ऐसे, लाइव नहीं देखा मैंने कभी भी, बट सो भाई मजा आ गया यार सीरियसली। अरे तुम जो खाना है वो कर लेना। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए लाचेन एंड काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। यहाँ बरसात हो रही है तो मुझे लगता है जो स्नोफॉल हो रहा है ना वही यहाँ बरसात में चेंज हो रहा है। बाकी हमारे यहाँ पे लंच होने वाला है, थोड़ी देर हम लंच करेंगे एंड फिर निकल जाएंगे हम लाचेन के लिए। काफ़ी जर्नी अच्छी रही, कैसा लगा तेरे को? बहुत
यानी किसी की मेरे को ना सबसे ज्यादा मजा आया उनके साथ मदद करके ना, हाँ, सीरियसली उनसे बातें करके, हाँ, बहुत ही काइंडफुल पीपल्स यार। पता है ऐसा था ना गौरव, ये इंसिडेंट ना किसी के साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है कभी आगे चल के, तो डेफिनेटली हमें भी हेल्प मिल चाहिए होगी किसी से। अगर हम यही सोच के किसी को ना बैठे तो फिर मतलब अच्छा भी नहीं लगता यार, खुद से ही लगता कि नहीं बैठा लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी तो गाड़ी खा ली, हमारी गाड़ी कोई खा ही जाएगी है। कोई मतलब कितने, कितने अच्छे इंसान थे यार। और बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को मिलके, तो मतलब हमने साथ में एंजॉय किया, टॉकेट में वैसे भी हम बहुत ज्यादा, तो साथ में सब लोगों के साथ भी रहे तो काफी अच्छा लगा था, ऐसा नहीं है। तो आपको साथ ना लाचेन दिखा देता हूँ, तो रात को तो आपने देख नहीं पाया होगा, अभी दिखा देता हूँ आपकी मार्केट। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ना बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, आप देखोगे ना रोड भी देखो कितनी साफ है, यहाँ पे मतलब क्लीन है भाई। पता है हम लोग क्या कल क्या होता, हम इसने ना कुछ टॉफी खाई थी, उसका रैपर यहीं फेंक दिया था, तो उन्होंने बोला भाई अंदर डालो। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ के लोग ना कम टॉकेटिव है, मतलब जो प्रॉपर लाचेन के हैं ना वो लोगों से कम इंटरेक्ट करते हैं। मैंने मतलब एक वीडियो बना ली थी, तो उन्होंने बोला था कि यार वीडियो मत बनाओ यहाँ पे एंड डिलीट मारो। मैंने बोला कि नहीं यूट्यूब अपलोड करेंगे हम, कह रहे थे अगर आप यूट्यूब पर करोगे हम आपको थाने में अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे लोग कम टॉकेटिव है, कम बात करते हैं लाचेन के, बट जब आप आओगे ना तो आपको सीरियसली काफ़ी अच्छा लगेगा एरिया एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, मज़ा आ जाएगा। जो हम लेक पे गए थे ना वो तो काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, मतलब ठंड के हमारे हाथ कप कप आ गए थे हमारे, आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो देख लेना, लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी हमारी पूरी जर्नी की। बाकी हमारा होटल है, इसके अंदर हम जाने वाले हैं क्योंकि हमारा लंच होने वाला है, भूख भी लगी है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, क्यों भाई क्या खाया तुमने? मैगी खाई थी, मैगी खाई थी। और भाई सीरियसली इतनी बढ़िया मैगी, फौज ने आर्मी के द्वारा बनाई हुई मैगी, और कसम से क्या टॉप क्लास मैगी बनाई थी, और चाय नो डाउट भाई इतनी प्यारी थी ना मैगी, और चाय बहुत अच्छी। मतलब हमने उनसे बोला भी था यार आपने जो मैगी बनाई है ना वो हम जो होटल में खा के आए उससे फार बेटर, बहुत अच्छी बनाई थी सीरियसली। जिस सिचुएशन में हमारे हाथ कप कप आ जाते ना, हमारी जो गाड़ियां बंदे बैठे हुए थे ना वो आर्मी के द्वारा बैठाए गए थे, वो जबरदस्ती नहीं रिक्वेस्ट करके, आर्मी पर्सन ने हमसे रिक्वेस्ट की आप हमारी गाड़ियां बैठा सकते हैं कि नहीं, बेचारे थैंक यू बोल रहे थे हम लोगों से। सच में यानी आर्मी आपके ये कितना झुकती है, यानी क्या मतलब किसकी गाड़ी खराब हुई है, लेकिन वो सीरियसली बहुत हेल्प करते हैं, मतलब दिल से रेस्पेक्ट यार उनके लिए, मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई रेस्पेक्ट नहीं होगी, हमेशा दिल से रेस्पेक्ट होगी उनके लिए। बाकी हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, वेदर कैसा लग रहा है? ठंडी ठंडी हो गई है ना बहुत ज़्यादा, ठंडी बहुत हो गई, अब खाना खाने के लिए चले चलो और निकल लो, खाना खा के आते हैं जल्दी से जल्दी। लाचेन के लिए जाना है, लाचेन नहीं लाचुंग, लाचेन हम यही है। ये कन्फ्यूजन ना हम लोगों के साथ नहीं अपना बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लाचेन कौन सा है लाचुंग कौन सा है, बट मेरे को अच्छा याद हो गई अभी तो ऐसा कोई नहीं है, बट लोगों को बहुत डाउट रहता है कि लाचेन कौन सा है लाचुंग कौन सा है। हमारा होटल इस टाइप से है एंड ये साइड का कूड़ा करकट है, बाकी आपको लंच कराते हैं। हाय यहीं बैठ जाते हैं भाई, वो भी आ रहे होंगे भींगते भींगते। अब अच्छा क्या हमने गाड़ी की तो हाँ क्या कि फॉग तो किस्मत अच्छी लगती है हमें, हाँ ये पानी नहीं अच्छा लगता बेटा, अच्छा दोनों चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, ऐसा होता है सबके साथ होता है, रहना अच्छा लगता है पानी अच्छा नहीं लगता, चीज गीले गीले हो गए, अभी ठंडी भी लग रही बहुत ज़्यादा, यहाँ है भी टेम्परेचर बहुत डाउन है यहाँ पे, कितना होगा इस समय देखो, हाँ अभी लैब चेक करके बताएगा कितना हो गया यहाँ का टेम्परेचर, बहुत सीरियसली बहुत ठंडी है, जब सो उठो ना आपको मन नहीं लगेगा कि मैं उठूँ या ना उठूँ, जीरो से कम दिखाया है, कितना जीरो से कम क्या दिखाएगा, माइनस से दिखाएगा कितना है, फिर एक माइनस वन है, कितना माइनस वन, और जिस लोकेशन पर हम गए थे वहाँ माइनस के सेवन था, माइनस ट्वेल्व था, ट्वेल्व जिस पॉइंट था ना जहाँ पे, हाँ गुदम का एक माइनस ट्वेल्व था, मतलब जिस लोकेशन में हम गए थे माइनस फोर ट्वेल्व, हाथ कांप रहे थे भाई, हो नहीं पा रहा था हमसे, ऐसे भाग रहे थे, मतलब गौरव ने इतने पूरे फोटोज कराए थे ना, लेकिन उस पॉइंट में जाके बोल रहा था कि नहीं यार अब तो तू चल अब नहीं हो पाएगा, सबसे पहले इसने मना किया था कि नहीं नहीं चलो भाई कैमरे बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे अच्छा है। बाकी का हमारे खाने वहाँ से आ रहे किचन से और देखते खाते हैं। पहले हमारा खाना आ गया, हमें मिला है एग करी, ये दाल है और ये कोई सब्जी है आलू की, क्या आलू की, गोभी आलू, गोभी आलू की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी है,
और राइसा। अंकल ये बताइए राचन जो जगह, राचन जो जगह है वो ऐसी ही है या फिर थोड़ी सी इसी में डेवलप है? हाँ बता रहे थे ना कल अंकल कि लाचुंग बहुत अच्छी है इससे, बट अंकल कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा यार। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे पैकेज में इंक्लूड है, मतलब आपको लंच वगैरह सारा कुछ मिलेगा, मतलब जो पूरे दिन 3 डेज का है ना, मतलब 2 डेज स्टे 3 डेज का पूरा टूर है हमारा, तो सारी चीज़ उसी पैकेज में इंक्लूड है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम बता देंगे सारी चीज़ें, बट अभी भूख लग रही है चूहे कूद रहे पेट में, तो पहले खाना खा लेते हैं। बाकी अंकल जी ने पूरा खाना आपने बनाया अंकल खाना, और आपने क्या बनाया? मैंने कुछ नहीं बनाया, अंकल ने खाना बनाया है, एंड होपफुली अंकल ही हमारे साथ जा सकते हैं लाचुंग के लिए। लेट्स सी क्या होता है, बट उससे पहले हम खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। ये साला पहले से स्टार्ट कर दिया है भाई, मेरे से हाँ सबर नहीं होता। हाँ नहीं सबर होगा तेरे से, बातों में आऊंगा मैं, खाना खाऊंगा मैं पहले ब्लॉग बनाऊंगा। तो गाइस फाइनली अपना लंच हो गया डन, अभी हम लाचुंग छोड़ने वाले हैं, लाचुंग की तरफ निकलने वाले हैं। लाचुंग कंफ्यूज हो रहा था लोग इसी में बहुत ज़्यादा, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है वो वाली यार पीछे वाली। चलो 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 वो बोल रहा है, आपने बता दिया। नहीं 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 अभी थोड़ी बारिश बंद हो गई है, बारिश खत्म, बारिश खत्म, अब तो सारे लोग कौन बन जाए। सो फाइनली हमारी गाड़ी वहाँ रखी हुई है, एंड ये बीच में एक फंसी हुई है गाड़ी, इसको निकालने के लिए। वो ड्राइवर कहाँ है भैया? उसका ड्राइवर पता नहीं, ये गाड़ी निकलेगी पहले फिर हमारी गाड़ी वहाँ से निकलेगी। कहाँ पहुँचे भैया हम? चुंगतांग पहुँचने वाला है। चुंगतांग पहुँचने वाला ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि यहाँ पर जैसे ब्रिज है ना, तो एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही हैं, ऐसा नहीं एक साथ सारी निकल रही हो। एक ये निकलेगी फिर इसका वेट करेगी ये वाली गाड़ी, फिर ये निकलेगी फिर इसके बाद ये, फिर हमारी गाड़ी का नंबर आएगा। बट ये ब्रिज एंड ये लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड पानी भी पड़ रहा है, स्लो स्लो बूंदें हो रही हैं। चल सारे हम आ गए लाचुंग पहुँच गए भाई, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, मतलब पूरे रास्ते बरसात होती रही है, तो भाई बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ एंड आपको बता देता हूँ रूम कैसा मिला है, बट यहाँ का रूम ना बहुत अच्छा है। बट ये गौरव भाई गतिविधि कर रहे हैं तो रूम को उन्होंने लॉक कर दिया है, तो बेसिकली ये रूम है, पहले गैलरी दिखा देता हूँ, ये गैलरी है एंड हमारा रूम ही है। तो पहले आपको रूम दिखा देता हूँ, काफ़ी स्पेसियस रूम भी है, मतलब हमें ना रूम वहाँ दोनों एरिया में अच्छे मिले हैं, एक और मुझे लगा कुछ कह रहा है, दोनों एरिया में अच्छे मिले, लाचुंग में भी अच्छा था, लाचुंग में भी अच्छा रूम मिला है हमें। ये बेड है, यहाँ पे बालकनी के खिड़कियाँ, व्यू कुछ नहीं है, इन दोनों खिड़कियों से कोई व्यू नहीं है, एंड काफी स्पेस है यार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टीवी लगा रखी है, बट लाचुंग में हमें टीवी नहीं मिली थी। ये टेबल दे रखी है, यहाँ पे हम कुछ सामान रख सकते हैं, बाकी हमने बैगेज वगैरह वही रख दिए हैं। एक ये रोजेज में कुछ रख सकते हैं लेकिन कुछ नहीं रखा हुआ है, और हमें अलमीरा वगैरह प्रोवाइड नहीं करी गई है इसमें, और बाकी का रूम काफी स्पेसियस है। क्या ही चाहिए यार, एक दिन के लिए चाहिए होता है, निकल जाएंगे कल सुबह। बट वॉशरूम भी अच्छा है काफी यार, काफी साफ भी रखा है, हाँ वो गंदा है, वो अच्छा ले ये इसने कर दिया बहुत गंदा। बाकी का यहाँ मिरर भी लगा हुआ है, यहाँ पे हम तैयार होकर देख सकते हैं अपने आप को। मैंने टोपा भी खरीदा यहीं से लाचुंग से, और ये मेरे को पड़ा है 150 रुपीज का, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, -4 डिग्री टेम्परेचर होगा। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो ये हमारा सारा डिनर वगैरह ना पैकेज में इंक्लूड है, जो कि मैंने आपको बताया था, हमने एक ट्रेवल से पैकेज लिया पूरा हम दोनों ने, गौरव और मैंने। तो ये हमारी ट्रिप है 2 डेज की, 3 डेज की ट्रिप है, जिसमें 2 नाइट का हमें स्टे भी मिला है, 1 नाइट का हमें मिला है लाचुंग में और दूसरा मिला है लाचुंग में। तो हम लाचुंग की कल बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, और स्नोफॉल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बारिश हुई है लगातार, तो डेफिनेटली कल स्नोफॉल होने वाला है, और हम पॉइंट कवर करने वाले हैं 0.6 सिक्किम एंड यमथंग वैली, ये दोनों पॉइंट हम कवर करने वाले हैं कल। होपफुली कल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड आज का भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा, मोस्टली आज का दिन ट्रैवल में निकल गया, एंड इसने बहुत सारी वीडियोस भी डाली है इंस्टाग्राम पे, अगर आपने चेकआउट नहीं किया ना तो इसके इंस्टाग्राम को आप चेकआउट कर सकते हो।
उसके लिए पहले आपको मेरा करना पड़ेगा, पहले मेरा कर लेना, फिर मेरे में ये मिल जाएगा गौरव, तो इसका भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो मुझे इस नीचे कमेंट्स में रिप्लाई वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड मैं आपको बता दूंगा कि पैकेज कैसे लेना होगा। अगर आपको लेना है ना, कैसे जाना है, ट्रैवल कैसे करना है, बाइक से करना है, गाड़ी से करना है, तो वो भी मैं बता दूंगा। प्राइवेट व्हीकल चलती हैं या नहीं चलती हैं, लाइक बस वगैरह चलती हैं या नहीं, मतलब गवर्नमेंट बसेस, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी हम जाते हैं डिनर करने के लिए, चले चलो। तुम्हें रूम नहीं मिला? ये भाई ड्राइवर भाई को रूम ही नहीं मिला। भैया दे दो इन्हें बेचारों को गाड़ी चलानी है कल, किसी के दूसरों के रूम में मत घुसाना यार। तो देखो मैं खोल के देखो, कोई है क्या? रूम नहीं है यार। सर किसी के भी रूम में घुस रहे हो तुम, इन्हें रूम ही नहीं मिला? किसी के भी रूम में घुस रहा है बंदा, इन्हें रूम ही नहीं मिला। चलो हम चलते हैं डिनर करने के लिए, फिर लौट के आते हैं। भाई गाइस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मतलब नए व्लॉग के साथ, न्यू जर्नी के साथ, क्योंकि हमें बहुत सारे पॉइंट्स भी कवर करने हैं। बाय बाय, टेक केयर। गाइस आज इसका